दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के बिगेस्ट EDM स्टार न्यूक्लिया के बारे में, जिन्होंने इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक की कमी को पूरा किया। न्यूक्लिया का म्यूजिक आज के वक्त में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और इतना ही नहीं बल्कि वो हमारे देश के मशहूर DJ भी है। वैसे तो न्यूक्लिया 2 साल में ही इतना पॉपुलर हुआ कि हर कोई इनके बारे में जानता है, लेकिन इनकी स्ट्रगल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि आखिर कैसे अहमदाबाद में रहने वाला उदयन सागर बना न्यूक्लिया। न्यूक्लिया का जन्म 7 दिसंबर 1979 को आगरा में हुआ। इनके परिवार में इनकी माँ, बड़े भाई, पिता, इनकी वाइफ और इनका एक 7 वर्ष का बेटा भी है। जब उदयन सागर 3 साल के थे तब उनका परिवार अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। उनके माता पिता का कहना है कि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती थे और उन्हें पढ़ाई में रुचि ना होने की वजह से स्कूल जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्हें वीडियो गेम्स खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था। जब वो 11वीं क्लास में थे तब उनके पिता ने उन्हें कंप्यूटर गिफ्ट किया। फिर उदयन सागर की मुलाकात मयूर से हुई। मयूर क्लासिकल म्यूजिक बजाते थे। उदयन ने मयूर से म्यूजिक सीखने की शुरुआत की और वहीं से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। इसके बाद दोनों ने मिक्स ट्रैक्स बनाने शुरू किए। लोगों को सिंगल ट्रैक से ज्यादा मिक्स ट्रैक्स ज्यादा पसंद आते थे और उन्होंने साथ काम करना भी शुरू कर दिया। फिर एक दिन जब मिहिर नाथ चोपड़ा अहमदाबाद में पार्टी कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने न्यूक्लिया और मयूर को ओपनिंग एक्ट के लिए बुक कर लिया था और उन दोनों का परफॉर्मेंस उन्हें काफी पसंद भी आया। इसके बाद मिहिर के घर जाकर वो एक रूम में ट्रैक्स बनाते थे। फिर उन्होंने अपना एक ग्रुप भी बनाया जिसका नाम था प्राइवेट शौचालय, और कुछ एल्बम्स भी उन्होंने रिलीज भी की, लेकिन वो ग्रुप ज्यादा देर तक नहीं चल पाया और ग्रुप का नाम चेंज करते हुए एक और बैंड भी बनाया जिसका नाम था बंदिश प्रोजेक्ट। और फिर वक्त के साथ साथ उस बैंड की पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी थी। लेकिन उनकी जिंदगी में मुश्किल दौर तब आया जब मयूर को लंदन शिफ्ट होना पड़ा था, क्योंकि मयूर के जाने के बाद उन्हें अपने अकेले के दम पर ही फिर से शुरुआत करनी थी। उन्हें कई बार ऐसा भी लगता था कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस दौर में उनकी पत्नी ने उनका बहुत ही ज्यादा साथ दिया। वो कहते हैं ना कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उन्हीं के पीछे एक दिन काफिले होते हैं। इनकी वाइफ ने उनकी सपोर्ट की वजह से वो काम करते गए और इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और आगे बढ़ते रहे। फिर उन्होंने OML कंपनी के साथ जुड़कर एक एल्बम भी रिलीज की जिसका नाम था कुचा मॉन्स्टर, और इनकी इस एल्बम को पब्लिक ने भी बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। इसके बाद न्यूक्लिया ने ओल्ड म्यूजिक ट्रैक्स बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किए और देखते ही देखते उनके कुछ वीडियोस ने यूट्यूब पर धूम ही मचा दी। इसके बाद न्यूक्लिया ने सितंबर 2016 में एक शो भी किया जो कि बहुत ही ज्यादा हिट हुआ, और उसके बाद उन्होंने दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे कई सारे देशों में शो किए। दोस्तों न्यूक्लिया एक ऐसा EDM स्टार है जिसने इंडियन म्यूजिक को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे मनोबल को और बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।